थोड़ा सा तो यार गंदा हो ही जाता है, तो ये गंदा ना हो, आपके ब्रशेस क्लीन ही रहे, क्योंकि इट्स म्यूज म्यूज साइज है, मीडियम साइज भी है, स्मॉल साइजेस भी है, लॉन्ग साइज, मतलब हर एक साइज। सो दिस इज अ नेक पी, हैंडी है ये स्लिंग क्लच जो। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसा कि आप सबने मेरा टाइटल तो देख ही लिया होगा कि आज का जो हॉल है वो है मीशो हॉल। उप्स, सॉरी 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 सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इट्स म्यूज म्यूज। ओ, मैंने वैसे मीशो और ह्यूज का हैशटैग बना दिया है, वैसे ही ये है मीशो ह्यूज हॉल। तो जैसे कि आप सबको पता ही चल गया होगा, वैसे यार मेरा हैशटैग कितना यूनिक नहीं है, आई एम गोना यूज दैट वन। सो रिसेंटली आई गॉट माई ऑल पार्सल्स फ्रॉम मीशो, तो मैंने सोचा कि साथ में ही मैं इसका मीशो का पूरा एक हॉल बनाऊंगी। वैसे कुछ पार्सल्स मुझे काफ़ी टाइम पहले मिल गए थे, तो मैंने वो थोड़े से खोल दिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मीशो पर आफ्टर 7 डेज आप कोई रिफंड नहीं ले सकते हो, ना ही रिटर्न करवा सकते हो, ना ही एक्सचेंज करवा सकते हो, वो पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मुझे कुछ प्रोडक्ट्स खोलने पड़े, तो कुछ खुले हुए हैं बट कुछ बिल्कुल ही पैक्ड है और बॉक्स्ड है, मेरे को लिटरली अनबॉक्स करना पड़ेगा वो, तो मैं आपके सामने ही करूँगी वो। तो हाँ जी, और लेकिन कुछ जो है प्रोडक्ट्स खोल दिए हैं मैंने, क्योंकि वो 7 डेज बिफोर ही आए, तो इसलिए मुझे खोलने पड़े। और तो मैंने सोचा था कि मैं इसका मीशो हॉल जो है ना, एक बड़ा हॉल ही बनाऊँगी जिसमें वेराइटीज़ होएगी अबाउट कुछ चीज़ें होंगी जो आपके डेली बेसिस पे यूज़ होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी फैशन में कंसिडर होंगी, कुछ एक्सेसरीज हैं, कुछ ये हैं, कुछ वो हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो सारी की सारी आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएगी, प्लस मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स फिर से बायो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करने लगी हूँ मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही दूंगी, साथ में आपको उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस यहाँ पर टैग कर दूंगी, ताकि आपको सारे प्राइसेस ऑन द स्पॉट दिख जाएं और मिल जाएं। तो अगर आपको कुछ चाहिए होगा और अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप डायरेक्टली मीशो से ले सकते हैं वो। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सारे बॉक्स्ड हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अनबॉक्स भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले अनबॉक्स वाले ही आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले आती है ये ड्रेस, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई थी, मैं एक बार आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे सी है लुक, तो ये फुल ऐसी है, बाकी मैं आपको दिखाई दूंगी। तो मैं इसका प्राइस जो है यहाँ पर डाल दूंगी, बाकी आप मुझे बताइए कि कैसी लगी ये ड्रेस। सो गाइस, नेक्स्ट वी हैव दिस ईयर लोब सपोर्ट पैचेस, जो कि आपकी ईयर रिंग्स पहनने में ना बहुत हेल्प करेगा आपको, आपके कान नहीं छिलेंगे, बहुत ही मतलब कि हैवी वेट जो होता है ना ईयर रिंग्स का, वो आपको नहीं लगेगा, वो आपको बिल्कुल नॉर्मली लगेगा। तो ये उसके लिए है, और ये मुझे बहुत ही सही लगा था, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। और मुझे टेस्ट भी करना है कि ये यार होता भी है या नहीं होता है, बट आई एम डैम श्योर कि यार ये वर्क करेगा, क्योंकि बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव दिस बॉडी वॉश, एंड आई गॉट दिस लूफा स्पॉन्ज फ्री, आई थिंक ये सभी बॉडी वॉश के साथ फ्री मिलता है, बट यार आई डोंट लाइक दिस स्पॉन्ज ब्रशेज, मतलब कि लूफा स्पॉन्ज ब्रशेज, क्योंकि यार ये बहुत ही हार्श होता है आपकी स्किन पे, मेरे को सूट नहीं करता, आपको सूट करता है तो वेल एंड गुड, बट मुझे सूट नहीं करता है। और इसके बदले में मैं आपको एक रिकमेंड मैंने आपको करा था, अगर आपने मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स देखी हो, जो कि एक अमेजोन मिनी हॉल है मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स पे, अगर आपने नहीं देखा देन डू चेक इट आउट राइट नाउ। तो उसमें मैंने एक बाथ ब्रश सजेस्ट करा आप लोगों को, रेकमेंड करा है, तो आप वो जो है ना जाकर यूज़ करो, और मैं इस बॉडी वॉश को उसी में यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सॉफ्ट है लिटरली। तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप वो ब्रश यूज़ करो, बट अगर आपको यही सही लगता है तो आप यू कैन गो फॉर इट, बट मुझे सही नहीं लगता है। सो नेक्स्ट वी हैव दिस क्यूट स्लिंग क्लच, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा था, और इसके साथ पता है स्लिंग भी है। हाँ, जब मैंने
अभी बोला तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये देखिए इतनी बड़ी स्प्रिंग है इसके साथ, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा लगा था, बहुत ही इंडियन टच आ रहा था। ये देखिए तो मैंने ये इंडियन, मेरी ना एक्चुअली भाई की शादी भी आ रही है तो मैंने उसके लिए मंगवाया था, तो ये जो है मुझे बड़ा प्यारा सा लगा है, स्प्रिंकलिंग सा, स्पार्कलिंग सा, तो उसके लिए। सो नेक्स्ट वी हैव दिस क्यूट गोल्डन इयररिंग सेट। आई फाउंड इट वेरी वेरी क्लासी एंड क्यूट। इसमें ना पता है सब तरह की इयररिंग्स है, मीडियम साइज है, मीडियम साइज भी है और स्मॉल साइजेस भी है, लॉन्ग साइज, मतलब हर एक साइज है, तो मुझे बड़ा ही सही लगा था। और रेंज भी इसकी परफेक्ट है, कुछ कॉस्टली नहीं था इतना। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं अनबॉक्स कर चुकी थी वो मैंने आपको सारे दिखा दिए, अब जो है वो सारे बॉक्स प्रोडक्ट्स हैं, पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं उन्हें आपके सामने ही खोलती हूँ। सो गाइस सबसे पहले है ये सिलिकॉन जेल पैड मोबाइल होल्डर। ये पता है बहुत ही काम की चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ ये है क्या एग्जैक्टली। तो इसको आप, मैं ना छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो यहाँ पर डाल दूँ है क्या। तो ये प्रोडक्ट ये है कि अगर आप इसको निकाल दोगे ना तो इसके ना आगे पीछे जो है टेप लगी हुई है वो हटा दो, उसके बाद इसको आप किसी भी दीवार पे, वॉल पे, या टाइल्स पे, या शीशे पे, किसी भी चीज़ पे अगर आप चिपका दोगे ना और उसके ऊपर अगर आप अपना मोबाइल रख दोगे ऐसे, तो जैसे कि ये ऐसे रख दिया, सपोज दिस इज़ मोबाइल और ये पैड है, तो इस पे रख दिया और आपका फ़ोन जो है बिल्कुल चिपक जाएगा और आप उसके थ्रू वीडियो बना सकते हो, कुछ भी पिक्चर्स ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपको ना ये छोटू सा ट्राईपॉड है जो मतलब कि ट्राईपॉड अगर खरीद नहीं सकता या फिर ट्राईपॉड ले जाने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो इतना ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होता है, बहुत ही तामझाम लेकर जाना पड़ता है। हालांकि छोटे ट्राईपॉड्स भी आने लग गए हैं बट स्टिल कौन लेकर घूमे अगर आपको कोई मतलब बाथरूम में ये बनाना है, गेट रेडी विद मी वाली वीडियो बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो आप ये जो है बहुत ही सही यूज़ है, आपको तामझाम नहीं करना पड़ेगा, बस उसको वॉल पर लगाओ और यू जस्ट हैव टू स्टिक योर मोबाइल ऑन इट और बस हो गया। उसके बाद आप जो है बनाते रहो अपनी वीडियोस, फोटोज लेते रहो, जो भी है, तो बहुत ही बड़ी काम की चीज़ है। तो ये मैंने घूमने के पर्पज़ से ही, मतलब ट्रैवल के पर्पज़ से ही मंगवाई थी कि अगर मैं कभी कहीं जाऊँ तो मैं ये यूज़ करूँ रादर देन ट्राईपॉड और समथिंग। सो या चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या है। ओके, तो ये है एक सिल्वर ज्वेलरी बॉक्स जो कि इन लोगों ने मुझे टूटा हुआ ही दे दिया है। ये देखिए इसका बॉक्स की कंडीशन इतनी गंदी है, आई कांट इवन टेल यू, मतलब देखिए आप खुद ही देखिए, ये टूटा हुआ इन लोगों ने मुझे दे दिया है। ये देखो यहाँ से भी टूटा पड़ा है, ये पता नहीं क्या है यार, मतलब कि ऐसे कौन देता है। देखो यहाँ से भी टूटा पड़ा है, अगर आपको दिख रहा हो, दिख रहा है आपको, हाँ, तो ये ऐसे टूटा हुआ है। आई जस्ट होप कि जो प्रोडक्ट हो वो अच्छा हो यार। ओके, सो दिस इज़ द इयररिंग्स। इसका पता है मैंने सेट भी मंगवाया है, ये बोहो सेट है, ये बोहो सेट, तो ये मैंने मंगवाया था, मुझे बहुत ही सही सा लगा था। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊँ क्या यार, मैं ऐसे ही रख देती हूँ वरना पैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ है, आप समझ ही गए होंगे। सो दिस इज़ अ नेक पीस और ये है इयररिंग्स। इयररिंग्स मैं खोल के दिखाती हूँ, पता है इयररिंग्स जो है बहुत ही प्यारे से है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस इसके साथ ये मांग टीका भी है, ये तो मैं भूल ही गई थी दिखाना आपको ये इसके साथ मांग टीका भी है, बहुत प्यारा सा है ना, ये देखो मांग टीका। अरे ये उल्टा क्यों हो गया, हाँ सही है क्या, नहीं। सो दिस इज़ द मांग टिक्का और इयररिंग है ये रे, तो ये ना कुछ ऐसे से दिखते हैं, ये इसको ऐसे लगाओ और यहाँ पे ये जाएगा पीछे, ऐसे कुछ लुक आएगी इसकी। अभी तो बहुत ही लल्लू सा लग रहा होगा बट आप समझ गए ना यार, आप समझ गए ना, बस और क्या चाहिए, आप समझ गए। तो चलिए लेट्स मूव।
फॉरवर्ड। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट पर चलते हैं जो कि है ये हेयर एक्सटेंशंस। जैसे कि आप सबने देख लिया होगा कि मैंने हेयर कट करवा लिया, तो अब मैं अपने बालों को बहुत ही मिस कर रही हूँ और इसलिए मैंने बस एक उसके लिए एक्सटेंशंस मंगवाए हैं। तो ये कुछ नहीं है, नॉर्मल एक्सटेंशंस है यार, इसको तो मैं क्या ही खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये बस एक्सटेंशन। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज अ बॉडी टेप गाइस। ये तो सभी को पता ही होगा एक्चुअली, बट अगर किसी को नहीं पता है सो लेट मी टेल यू कि ये चीज़ है क्या। तो ये चीज़ ये है कि अगर आपका कभी भी कुछ क्लीवेज दिख रहा है या फिर कुछ भी है, जैसे कि कुछ इशू आ रहा है, सपोज करो आपके यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, आपका जो स्लीव्स है वो टिक नहीं रही है और आप उसे टिकाना चाह रहे हो, तो आप ये बॉडी टेप लो। और ये पता डबल साइडेड टेप जैसी ही होती है, तो ये बॉडी टेप लो और यहाँ पर अपनी स्किन पे यहाँ पे लगा दो और फिर जो है उसको एडजस्ट कर लो आपको जैसा भी चाहिए, तो ये स्टिक हो जाएगा और पता है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ट्रस्ट मी, आई हैव यूज्ड दीज बॉडी टेप्स, तो ये बहुत ही सही प्रोडक्ट है यार, सही प्रोडक्ट निकाला है जिसने भी निकाला है। तो इससे जो है आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, तो ये टेप तो होनी ही चाहिए गर्ल्स, तो मैं बोलूँगी ही कि ये टेप तो ज़रूर आपके पास होनी ही चाहिए, चाहे आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ हो कर रहे हो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ड्रेस में या कुछ है तो ये फिक्स कर देती है लिटरली। आई हैव यूज्ड दिस मेनी टाइम्स। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इन्फेक्ट करेगा आपकी स्किन को, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप ये प्रोडक्ट बेझिझक लिटरली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने बहुत बार यूज़ करा है यार और ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी स्किन इन्फेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा, बहुत ही सेफ है, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, विच इज़ दिस टूथब्रश कंटेनर्स। आई फाउंड इट वेरी 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 क्यूट। ये देखिए कितने बहुत ही मल्टी कलर्स हैं, तो मेरे को एक तो प्यारा सा भी लगा था, प्लस ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो मैंने ना ये इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि ना अगर आपका जैसे कि टूथब्रश है, अगर आप कभी लेकर जा रहे हो तो वो ना थोड़ा सा ना गंदा सा हो जाता है, बैग में रखते हो किसी में भी रखते हो तो कुछ तो थोड़ा सा तो यार गंदा हो ही जाता है, तो ये गंदा ना हो, आपके ब्रशेस क्लीन ही रहे, क्योंकि यार आप लिटरली आप उनको यू नो दांतों पर यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली अच्छे ही होने चाहिए आपके ब्रशेस। तो मैंने उसके लिए कंटेनर मंगवाया है, ये टूथब्रश कंटेनर मंगवाया है, तो ये चार का सेट था, तो मुझे बड़ा ही अफोर्डेबल भी लगा और यूज़फुल भी लगा, तो मैंने उसके लिए मंगवाया है ट्रैवल के लिए। तो ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट, लेट्स सी व्हाट इट हैज। सो इट्स पर्ल बेडेड क्लच, और यार कितना क्यूट है ना ये, देखो अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, होप कि आपको अच्छे से दिख रहा हो, तो यार ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा है, कितना हैंडी है ये, देखो इसको ऐसे है ये, यार ये आपको दिख क्यों नहीं रहा है या फिर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये ऐसा सा है और बहुत ही क्यूट सा लगा मुझे ये ना। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि इसमें स्पेस कितना है, तो देखिए इसमें स्पेस भी है काफ़ी है, ये देखिए इसमें स्पेस काफ़ी है, ये देखो अगर आपको दिख रहा हो तो काफ़ी स्पेस है यार, मतलब कि अच्छा बैग है, आई लाइक इट, और बहुत ही अफोर्डेबल है। गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज व्लॉग, आई होप यू गाइज लव्ड इट। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, बट आई होप यू इन्जॉयड इट, और आपको कुछ चीज़ें यूजफुल लगी हो मेरे व्लॉग से, आपको कुछ हेल्प हुई हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई अप्रिशिएट दैट। और जो है अगर आपको ऐसी ही कुछ यूनिक सी वीडियोज़ चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट्स चाहिए, सो डू लेट मी नो दैट एज वेल इन द कॉमेंट सेक्शन। So if you guys like my video, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next vlog. Tab tak ke liye, bye bye.